जांजगीर चांपा जिले में लगातार लोगों के द्वारा शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बिना मास्क लगाए लोग घूम फिर रहे थे। इसी के तहत आज शासन के निर्देशानुसार सभी व्यक्ति को मास्क लगाकर चलना है, लेकिन आज भी लोग शासन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और बिना मास्क लगाए घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना महामारी पर निजात पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ऐसी हालत में महामारी को देखते हुए जांजगीर कलेक्टर के आदेश पर SDM तहसीलदार, SDOP TI एवं नगर पालिका के कर्मचारी ने टीम बनाकर बिना मास्क लगाए हुए दुकानदार, शॉपिंग करने वाले लोग एवं राहगीरों पर चलानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 16,200 रुपयों का चलान काटा गया। वहीं SDM मैडम के द्वारा लोगों को समझाइश दी गई कि सभी लोग मास्क लगाकर चले और बढ़ती कोरोना महामारी से सुरक्षित रहे। आदरणीय कलेक्टर साहब द्वारा जो भी बिना मास्क निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, उसी तारतम्य में आज मैं और SDOP चंद्राकर जी हमारे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और TI पूरे दल के साथ चार टीम में विभक्त होकर 1 घंटे कार्रवाई की, ताकि लोगों को ये संदेश जाए कि प्रशासन सख्त है, पुलिस भी सख्त है और कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में जो भी बिना मास्क के निकल रहे थे या दुकानों में शॉपिंग कर रहे थे या दुकान वाले भी कोई बिना मास्क के सामान बेच रहे थे, राहगीर भी, उन सब पे कार्रवाई हुई है। इसके अंतर्गत कुल 162 लोग पर 16,200 रुपये की चालानी कार्रवाई हुई है। क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ज़िले में भी संख्या बढ़ी है, तो अवेयर रहें और मास्क के साथ ही निकले, छोटे बच्चों को भी बचाएं, बुजुर्ग भी हैं वो भी बिना मास्क के छोटे बच्चों को भी लेकर बाहर निकल जा रहे हैं, तो अभी सावधानी बरतें, कुछ समय की ही बात है, अभी आप अगर सावधानी बरतेंगे तो आगे आप बचे रहेंगे। DCP24 न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।